हेलो फ्रेंड्स, आज है वैलेंटाइन डे और आज मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ सलील को और डेकोरेशन करूँगी खूब सारा। आज खाना भी बनेगा तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और मैंने सुबह का सारा काम ख़त्म कर दिया है और सलील भी ऑफिस चले गए, मतलब मैं पूरी तरह से अभी फ्री हो गई हूँ, अपना काम आराम से कर सकती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ पहले मार्केट, जितना भी सामान मुझे चाहिए होगा मैं सारा सामान को लेके आ जाती हूँ पहले, उसके बाद जितना भी काम है धीरे धीरे करके करूँगी। और काम तो बहुत ज़्यादा है, उनके आने से पहले ही मुझे आज का काम ख़त्म करना होगा, तो अभी फटाफट से मैं मार्केट से आती हूँ सामान लेके। तो दोस्तों, मेरे लिए डेकोरेशन का अगर आप देखोगे तो इतना ही बड़ा जगह है और इसी में जो भी करना है मुझे करना है, तो मैंने सारा सामान लेके आ गई हूँ मार्केट से। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ अभी इसका डेकोरेशन, क्योंकि आगे और मुझे खाना भी बनाना है तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो पहले मैं डेकोरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये जो डेकोरेशन आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैंने हाल फिलहाल में ही चेंज करा था, कुछ ही दिन हुआ है चेंज करके, लेकिन बीच में स्पेशल डे आ गया है, सरप्राइज़ देना है तो ये सब चेंज करना तो बनता है। मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने यहाँ जो ब्लू कलर का कर्टन था उसके जगह पे यहाँ पे रेड कलर का कर्टन डाल दिया है और वो भी मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, मैंने बहुत पहले ख़रीद के रखा था। तो एक तो मैं यहाँ वॉशिंग मशीन के पीछे यूज़ करी हूँ, आप लोगों को पता ही होगा जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, और एक था तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और एक चुन्नी ले लिया है और इसका जो कर्टन के जो साइड में दिख रहा था ना ये लोहा, तो अच्छा नहीं दिख रहा था तो मैंने इसको कवर कर दिया है। और इस साइड में भी जितना भी मेरे पास फ्लावर्स वगैरह था डेकोरेशन के लिए ना दोस्तों, मैंने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लिया है, मैं मार्केट तो गई थी सुबह में, लेकिन खाने वगैरह का जो सामान है वही सब लेके आई हूँ। डेकोरेशन में जो भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सारा चीज़ मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे। तो फिर एक लाइट मैं लगाई और चेक करके देख रही हूँ कि ये लाइट यहाँ पर मतलब अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले मैंने वो भी ख़रीद के रखा था दिवाली के टाइम पर। तो मेरे पास तो दीवान सेट नहीं है, तो मैंने ना ये सोफ़ा कम जो बेड है वही मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, उसी को मैं यहाँ डेकोरेट करने वाली हूँ। तो रेड कलर का बेडशीट भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा सामान वगैरह यहाँ पे ख़रीदे नहीं है, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना ही सामान मैंने रखा है। तो मैं ना कुछ दिन पहले ठंडा के टाइम में ही मैंने ये कारपेट ख़रीदा था, तो 2-3 बार ही मैंने इसको यूज़ किया था, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है इस वजह से मैंने इसको धो के रख दिया था, तो फिर उसी को मैं अभी यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और पूरा प्योर वाइट साड़ी भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने इस तरह का ये वाला साड़ी लिया है, और ये साड़ी मेरी सासू माँ का है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वही साड़ी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट कलर का होगा या रेड कलर भी, कोई भी दोनों में से आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो दोनों में से मेरे पास ना वाइट है ना रेड है, मेरे पास इस तरह का मतलब मिक्स वाला कलर था, तो वही साड़ी को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और उसके बाद ना यहाँ वाइट वाला पीलो कवर भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ क्या किया है, एक दिमाग लगा लिया, सेफ्टी पिन से इस तरह से छोटा छोटा टॉवल मेरे पास था तो उसको मैंने एक साइड में कवर कर दिया है, क्योंकि इसको जस्ट डेकोरेशन के लिए मुझे वहाँ पे रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर दो साइड नहीं कवर करोगे तो भी चलेगा, तो इस तरह से मुझे इसको रखना है। तो मैंने यहाँ पे दो टॉवल ले लिया है और दो पीलो को इस तरह से रख दिया है, दोनों को मैं इस तरह से रख दूंगी। उसके बाद यहाँ बीच में जो सोफ़ा मैं यूज़ करती थी ना कुशन, वही कुशन को यहाँ पे लगा रही हूँ, और मैं थोड़ा सा इसमें दूसरा कलर डाल दी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कलरफुल रहेगा तो अच्छा दिखेगा। और साइड में विंडो के साइड में कर्टन अच्छा से नहीं ढक पा रहा था ना वो वुडन वगैरह, तो वो सबको यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है फ्लावर्स लगा के। तो यहाँ पर मैंने बलून को फुला लिया है और उसको मैं इस तरह से स्टिक कर दूंगी, और तो यहाँ पर मैंने चिपका दिया है सेलो टेप से सारा बलून्स को। उसके बाद मैं यहाँ पर एक DIY कैंडल होल्डर बना रही हूँ। दोस्तों बोलते हैं ना, अगर आपको डेकोरेशन करने का शौक़ है तो आप कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके आप अपना घर को सजा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डेकोरेशन के लिए देखिए माला का यूज़ किया है, पानी के अंदर में इसको रख लिया है कांच ग्लास में, और दूसरे ग्लास में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया, और ये देखिए कितना सुंदर एक कलर यहाँ पर उभर के आया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको रखूँगी, और ये जो
और ट्रे देख रहे हैं, ये भी एक डब्बा का मतलब कवर था, तो उसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने कैंडल्स को इसके ऊपर में रख दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर एक बन के तैयार हो गया है कैंडल होल्डर, और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको इच्छा होगा ना मतलब डेकोरेशन करने का, तो आप कहीं ना कहीं कुछ भी अरेंजमेंट करके कैसे भी करके आप डेकोरेशन कर सकते हो। जैसे मेरे पास बेडशीट भी नहीं था, फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ट्रे भी मेरे पास इस कलर का नहीं था, फिर कैंडल होल्डर भी अच्छा वाला नहीं था। तो मैंने ये सब चीज़ों को जुगाड़ करके अपना यहाँ पर एक डेकोरेशन किया है, और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने जुगाड़ करके डेकोरेशन तो कर लिया है, अब देखते हैं सलील का क्या रिएक्शन होगा घर आने के बाद। तो मैं मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ, और बहुत सारा चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।